क्या किसी देश में दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं? जी नहीं, लेकिन भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। आज पाकिस्तान के सियासी ड्रामे ने एक नया मोड़ ले लिया। पाकिस्तान में रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बिना मतदान के ही खारिज कर दिया गया। नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव को बिना वोटिंग के ही खारिज कर दिया गया। उधर इमरान खान की सिफारिश के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी। देश के अगले आम चुनाव 90 दिन के अंदर होंगे। वहीं इसके खिलाफ विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उधर पाकिस्तान सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी हो गई है कि इमरान खान अब आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री नहीं है और विपक्षियों ने शहबाज शरीफ को अपना नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। आखिर कौन है ये शहबाज शरीफ? दरअसल शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के विपक्ष के वर्तमान नेता हैं। वह 13 अगस्त 2018 से नेशनल असेंबली के सदस्य और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इससे पहले उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 3 बार पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं, जिससे वे पंजाब के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे।